नमस्कार, इन खबर में आप स्वागत। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पे अब दो दिन बाद सुनवाई होगी, यानी कि अभी दो दिन उन्हें जेल में रहना होगा। वो तो जेल में है लेकिन बाहर सियासत बहुत गर्म है। जिसे भी मौका मिल रहा है अपनी सियासत के हिसाब से निशाना जरूर लगा रहा है। अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली और उन्होंने कहा है कि आर्यन को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उनका खान सर ने है। बीजेपी अपने कोर वोटर्स को संतुष्ट और खुश रखने के लिए ऐसा कर रही है। एक मंत्री और उसका बेटा चार किसानों को कुचल देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है और एक 23 साल के बच्चे को जानबूझ के परेशान कर रहा है। महबूबा मुफ्ती पहली शख्सियत नहीं है जिन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन खान सर नेम लेकर के सीधे हिट करने वाली महबूबा मुफ्ती है। आखिरकार इन नेताओं को इससे क्या मिलता है? दरअसल है क्या कि इस देश में एक रवायत बन गई है, कुछ न मिले तो जात या धर्म का कार्ड चल दीजिए, वो विक्टिम कार्ड कहीं ना कहीं काम कर जाएगा। आर्यन खान के मामले में भी ऐसा ही किया जा रहा है। पहले कहा गया कि उनके यहाँ से जो सतीश मानसिंदे उनके वकील है, कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, उनकी कहीं कोई मिली भगत नहीं है, वो बतौर गेस्ट गए थे, लेकिन अदालत जो है उनको जमानत नहीं दे रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अदालत क्यों नहीं जमानत दे रही है? और जब एक बार NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनकी गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी के बाद सारा का सारा मामला किसके पास चला गया? अदालत के पास। अब अदालत उनको रिलीफ दे न दे, फिर सियासत ये क्यों? क्योंकि यही सियासत सूट करती है इन राजनेताओं। अभी आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी को लेकर के ही सियासत गर्म है और उसके बाद आर्यन खान का। और दोनों घटनाएं एक ही साथ हुई थी। 2 और 3 अक्टूबर की रात को क्रूज में जो है छापा डाला था NCB का और 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना हुई थी। सियासतदानों को ये सूट कर रहा है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं। इस देश में अदालत को भी नहीं छोड़ा जाता, राजनेता किसी को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें वोट चाहिए और उस वोट को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने, उसी हिसाब से उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, खूब जवाब दिया जा रहा है महबूबा मुफ्ती को। वैसे महबूबा मुफ्ती से और उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो कैसी बात करेंगी? अभी जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है घाटी में, उसमें महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला, क्या कहा, कितने घरों में गई थी मिलने के लिए, किसी ने देखा है? नहीं, जाएंगी भी नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता है। जिसकी राजनीति को जो सूट करेगा वही वो करेगा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जिन किसानों को कुचला गया उनके बच्चों को मदद मिलनी चाहिए और जिन्होंने कुचला, जानबूझ के कुचला, उनको सजा मिलनी चाहिए। मंत्री हो चाहे संतरी, इस देश में सबके लिए कानून एक ही है और वो है IPC के तहत कवर हो रहा है अपराध, लिहाजा ट्रायल होगा और उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी चूंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं इसलिए उनके इस्तीफे की मांग हो रही है कि उनके मंत्री पद पर रहते हुए न्याय नहीं मिल सकता। बिल्कुल इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। लेकिन हम सबको अपने अपने अंतरात्मा में झांक के ये भी देखना चाहिए कि जो हम बयान दे रहे हैं उसका नतीजा क्या क्या हो सकता है। क्या ये वो वोटर को संतुष्ट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं आप अपने सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे कि BJP पे आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके अपने कोर वोटर को साधने के लिए वो ऐसा एक मासूम बच्चे को तंग कर रही है, जैसे कि सीधे सरकार जा करके और वहाँ से पकड़ ली। तो ये सियासतदान हैं, इन्हें सिस्टम से कोई मतलब नहीं। किसको इससे कितना दर्द होगा, कितना मतलब वो आहत होगा, मर्माहत होगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। उनकी वोट बैंक की फसल बननी चाहिए, उसी हिसाब से वो ट्वीट करते हैं और उसी हिसाब से बयान देते हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।